नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग इस चैनल पे बीएससी और एमएससी से रिलेटेड क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़ सकें। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करवा रखी थी। फर्स्ट यूनिट में हम हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेसिस स्टडी कर रहे थे। उसमें मैंने एक वीडियो लेक्चर बना दिया है जिसमें हमने इनका क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि एसिड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया और बेस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, हार्ड एंड सॉफ्ट। फिर हमने उनकी प्रॉपर्टीज देख ली थी कि किसको हार्ड कहा और किसको सॉफ्ट कहा। हमने चारों की हार्ड एसिड कौन से कैटेगरी में रखे गए, हार्ड बेस कौन सी कैटेगरी में रखे गए, सॉफ्ट एसिड कौन सी कैटेगरी के रखे गए, या उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज थी और सॉफ्ट बेस की क्या प्रॉपर्टीज थी, वो हमने स्टडी कर ली है। अब हम आज एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, पियर्सन कंसेप्ट। यूनिट फर्स्ट आसान यूनिट है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजीली हो जाती है ये। शॉर्ट फॉर्म में इसको एचएसएबी कहा जाता है। आज हम पियर्सन का एचएसएबी कंसेप्ट पहले स्टडी करेंगे। पियर्सन कंसेप्ट ऑफ एचएसएबी। पियर्सन ने ये कंसेप्ट जो दिया था, ये मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए दिया था। किसके लिए दिया था? मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए दिया था। कुछ जो मेटल्स होती हैं, वो कुछ लिगेंड्स के साथ स्टेबल कंपाउंड बनाती हैं और कुछ लिगेंड्स के साथ अनस्टेबल कंपाउंड बनते हैं। ऐसा क्यों होता है या क्या हो रहा है, ये पियर्सन ने एक कंसेप्ट दिया था। उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हार्ड बेस के साथ जो कंपाउंड बनाएगा वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। वैसे ही सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो भी स्टेबल होगा। लेकिन यदि अपोजिट हुआ, मींस एक हार्ड एसिड हुआ और सॉफ्ट बेस हुआ, या सॉफ्ट एसिड हुआ और हार्ड बेस हुआ, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। उन्होंने कहा कि हार्ड हार्ड मिलके हमेशा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, सॉफ्ट सॉफ्ट मिलके हमेशा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लेकिन अपोजिट हार्ड और सॉफ्ट या सॉफ्ट और हार्ड हमेशा अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये था पियर्सन का एचएसएबी कंसेप्ट। पियर्सन का एचएसएबी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ मिलके स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। एग्जाम्पल है एच प्लस, बेस है एफ माइनस, क्या बनाया एच एफ। ये कैसा है? स्टेबल है। देखो हमने क्या कहा था, जिसका स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज होते हैं दोनों में ही, हमने ये पढ़ा था। हार्ड बेस में भी ये कहा था कि नेगेटिव स्पेसेस जिसपे स्मॉल साइज होता है वो क्या कहलाती है,
हार्ड बेस कहलाएगा। और पॉजिटिव आयंस में यदि कोई पॉजिटिव आयन का साइज जो है वो स्मॉल साइज होगा तो वो हार्ड एसिड कहलाएगा। यही कहा था, तो एच प्लस स्मॉल साइज है, फ्लोराइड आयंस का भी स्मॉल साइज है, इसलिए ये दोनों क्या है, हार्ड एसिड, एच प्लस हार्ड एसिड है और एफ माइनस जो है वो हार्ड बेस है। इन दोनों से मिलके जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है एच एफ, ये स्टेबल कंपाउंड है। कैसा है, ये स्टेबल कंपाउंड है। तो पियर्सन के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ मिलके एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है, वैसे ही सॉफ्ट एसिड जो है वो सॉफ्ट बेस के साथ मिलके एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है। लेकिन हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस या सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस जो है वो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि ये जो है ये तो अनस्टेबल बनाते हैं और ये स्टेबल बनाते हैं, उसका भी उन्होंने एक रीजन दिया था। क्या रीजन दिया था? हार्ड एसिड और हार्ड एसिड रिएक्ट विद हार्ड बेस टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड कैसे होंगे? स्टेबल होंगे। कैसे होंगे? स्टेबल होंगे। क्यों बनाते हैं ये आयनिक कंपाउंड? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, स्मॉल साइज होता है, मींस पोलराइज नहीं होते हैं, ये पोलराइजेबिलिटी जो है इनकी कम होती है, इसलिए सारा का सारा चार्ज जो है वो इसी के ऊपर रहता है। तो ये कैसे होंगे? चार्ज पार्टिकल्स की तरह बिहेव करेंगे, चार्ज पार्टिकल्स की तरह बिहेव करेंगे तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा ये बॉन्ड कौन सा होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। और आयनिक बॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है? स्टेबल होता है। कैसा होगा? स्टेबल होगा। इसलिए हार्ड एसिड जो है वो हार्ड बेस के साथ रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग आयनिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। बिकॉज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लार्ज। जब लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? आयनिक कंपाउंड बनते हैं। इसलिए कैसे कंपाउंड बनाएगा? आयनिक कंपाउंड बनाएगा। अब देखो, ये तो था हार्ड एसिड और हार्ड बेस का, अब सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस का दिखाते हैं और फिर अपोजिट का रीजन बताते हैं। दूसरा, सॉफ्ट एसिड रिएक्ट विद सॉफ्ट बेस टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट कंपाउंड। क्या बना रहे हैं? यहां पे कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। तो क्या होंगे? कोवलेंट कंपाउंड भी हमें पता है कि स्टेबल होते हैं। सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसा होगा? कोवलेंट कॉम्प्लेक्स होगा। और कोवलेंट कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। कैसे होंगे ये? स्टेबल होंगे।
अब ये कोवलेंट क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत ही कम होता है, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एसिड एंड बेस इज स्मॉल। जब स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है तो बॉन्ड कैसा बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो स्टेबल होता है। यहाँ तक क्लियर? अब हम बात करते हैं कि सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस, या हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस जो है वो कैसे कंपाउंड बनाते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं। सॉफ्ट एसिड या हार्ड एसिड, अपोजिट चीजें बता रही हूं। सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म पोलर को कंपाउंड। क्या बनाएगा ये? पोलर कंपाउंड बनाएगा। हार्ड एसिड हार्ड सॉफ्ट बेस के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? पोलर कंपाउंड्स। पोलर कंपाउंड्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। पोलर कंपाउंड्स जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं? अनस्टेबल कंपाउंड्स बनते हैं। पोलर जो बॉन्ड्स बने हुए होते हैं उनके बीच में वो अनस्टेबल होते हैं, इजीली टूट जाते हैं, इसलिए पोलर कंपाउंड्स जो होंगे वो अनस्टेबल कंपाउंड्स होंगे। ये था पियर्सन का HSAB कॉन्सेप्ट। क्या कहता है कॉन्सेप्ट? कि हार्ड एसिड जो है वो हार्ड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, सॉफ्ट एसिड के साथ सॉफ्ट बेस रिएक्ट करेगा तो स्टेबल कंपाउंड बनेगा, लेकिन यदि हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस या हार्ड सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस के साथ जो रिएक्शंस होती हैं उनसे जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। ये था पियर्सन का कंसेप्ट HSAB। अब देखो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको हम HSAB के कंसेप्ट से डिफाइन नहीं कर सकते। कुछ रिएक्शंस जो हैं वो इस तरीके की होती हैं जिनको हम HSAB के कंसेप्ट से डिफाइन नहीं कर सकते। इनको डिफाइन करने के लिए हमें उन एसिड की स्ट्रेंथ या उन बेस की स्ट्रेंथ के से भी हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक आता है वो आता है आपका एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं उन रिएक्शंस को हम HSAB के कंसेप्ट से डिफाइन नहीं कर सकते। उन रिएक्शंस को डिफाइन करने के लिए हमें एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के आधार पे ही हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। क्या कहा? कि बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं, सम रिएक्शंस डज नॉट डिफाइन अकॉर्डिंग टू HSAB कंसेप्ट। दीज रिएक्शंस डिफाइन ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ
एसिड एंड बेस, एसिड और बेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ के आधार पे ही हम उन रिएक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे इस तरीके की रिएक्शंस क्यों होती है। हम उनको HSAB कंसेप्ट से डिफाइन नहीं कर सकते। अब देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इस रिएक्शंस को समझना चाह रहे हैं। एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल का यूज करते हुए मैं आपको बताऊंगी। SO3 माइनस टू प्लस, SO3 माइनस टू प्लस HF, ये रिएक्शन होगी HSO3 माइनस प्लस में F माइनस, ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में कौन सॉफ्ट है कौन हार्ड है, सबसे पहले तो हमें वो पता होना चाहिए। SO3 माइनस टू सॉफ्ट में किया था हमने, ये सॉफ्ट एसिड है, SO3 माइनस टू ये सॉफ्ट एसिड नहीं, सॉरी बेस है। H प्लस हार्ड एसिड है स्मॉल साइज का, F माइनस हार्ड बेस है। यहां तक क्लियर? रिएक्शन क्या हो रही है देखो, रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है वो क्या है, हार्ड एसिड और हार्ड बेस, मीन्स HH कॉम्बिनेशन है। और हमें पता है कि HH कॉम्बिनेशंस, अभी बताया था मैंने कि पियर्सन के रूल्स के अकॉर्डिंग HH कॉम्बिनेशंस जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। मीन्स ये कैसा है, HF किसके अकॉर्डिंग, HSAB के अकॉर्डिंग स्टेबल है, स्टेबल होगा तो रिएक्शन होगी ही नहीं, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन हो रही है। भाई स्टेबल होगा तो रिएक्शन होगी ही नहीं, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन हो रही है देखो। और रिएक्शन में क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये हार्ड हार्ड एसिड और SO3 माइनस सॉफ्ट बेस, क्या कॉम्बिनेशन बना, हार्ड सॉफ्ट का। और अभी हमने HSAB के कंसेप्ट के आधार पे हमने ये कहा था कि हार्ड सॉफ्ट जो कॉम्बिनेशन बनता है वो पोलर होते हैं, और पोलर होंगे तो ये क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। मीन्स स्टेबल से किस फॉर्म में जा रहा है, अनस्टेबल फॉर्म में जा रहा है, लेकिन ये रिएक्शन होती है। यहाँ पे इस रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ डिफाइन करनी पड़ेगी। जो बेस है SO3 माइनस टू और F माइनस, इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ डिफाइन करनी पड़ेगी, और उसके आधार पे हम इस रिएक्शन को समझाते हैं। इस रिएक्शन को समझाने के लिए क्या करते हैं, दिस रिएक्शन कैन नॉट डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ HSAB कंसेप्ट। किसके कंसेप्ट से हम डिफाइन नहीं कर सकते इसको, HSAB कंसेप्ट के आधार पे हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि HSAB तो क्या कहती है कि हार्ड सॉफ्ट जो बन रहा है ये अनस्टेबल है। किसको तोड़ के बन रहा है, एक स्टेबल फॉर्म को, हार्ड हार्ड फॉर्म को तोड़ के हार्ड सॉफ्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये अनस्टेबल की फॉर्म में जा रहा है, तो HSAB कंसेप्ट से तो ये रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन इस रिएक्शन को हम रिलेटिव स्ट्रेंथ के ऊपर, इस बेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ से डिफाइन कर सकते हैं। बट दिस रिएक्शन इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव
स्ट्रेंथ ऑफ बेस, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये वीक बेस है। तो बेस क्या होते हैं? जो प्रोटॉन इजीली एक्सेप्ट करें वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग। अब इसके साथ वीक बेस के साथ ये प्रोटॉन जुड़ा हुआ है और ये स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग क्या होगा? इसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, इसकी टेंडेंसी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी SO3-2 की ज्यादा है, ग्रेटर टेंडेंसी। To accept proton, किसके comparison में? As compared to fluoride ion. Fluoride ion के comparison में, क्योंकि ये fluoride ion से ज्यादा stable acid है, ज्यादा strong acid है, इसलिए base. SO3-2 जो है वो ज्यादा strong बेस है, इसलिए फ्लोराइड आयन से प्रोटॉन को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, ये HF से आसानी से प्रोटॉन ब्रेक हो जाएगा। फ्लोराइड आयन जो है वो आसानी से प्रोटॉन लूज कर देगा, तो इसको प्रोटॉन मिल जाएगा और रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। तो इस रिएक्शन को हम HSAB कंसेप्ट से तो नहीं समझा सकते, लेकिन उनके रिलेटिव स्ट्रेंथ से इनको डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए PKa वैल्यू निकाली गई हार्ड के लिए, सॉफ्ट के लिए, और उन वैल्यूज के आधार पे ही इनका क्लासिफिकेशन किया गया कि किन को हम उनके रिलेटिव स्ट्रेंथ के आधार पे समझा सकते हैं और किन को हम HSAB के आधार पे समझा सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि कौन से ऐसे एसिड या बेस हैं जिनको हम उनके रिलेटिव स्ट्रेंथ के आधार पर रिएक्शंस को डिफाइन करेंगे, और कौन से ऐसे एसिड और बेस हैं जिनको हम HSAB के कंसेप्ट के आधार पर रिएक्शंस को डिफाइन किया जाएगा। थैंक यू।